वेद शब्द का मूल अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, और उपनिषद जिसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांत शब्द का मतलब होता है ज्ञान का अंत, एंडिंग ऑफ नॉलेज। वेद कब लिखे गए यह किसी को पता नहीं है। वेदों को 108 उपनिषदों में बांटा गया और उन्हें ही वेदांत कहा गया। वेदांत का स्रोत, समस्त संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, कलंक और उपहास की मुझ पर वर्षा हो, मेरी समस्त मूल्यवान संपत्ति चली जाए और मैं अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भटकता फिरूं, मेरे मित्र ही मेरे विरुद्ध हो जाएं और मेरे भोजन में विष मिला दिया जाए, घातक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और व्यूहबद्ध अनेक मनुष्य मुझ पर आक्रमण करें, स्वयं आकाश टूटकर मेरे सिर पर गिर जाए, फिर भी मेरे हृदय में कोई भय नहीं होगा। इस प्रकार का गीत तमिल कवि भारती ने वेदांत से उत्पन्न होने वाली निर्भयता को लक्ष्य करके गाया है। वेदांत भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है, वह भूतकाल में उसका मूल स्रोत रहा है और अब भी है। भारत के स्त्री पुरुषों ने जिस साहस, शौर्य, आत्म बलिदान और महानता का परिचय दिया, वह सब का सब वेदों के दर्शन शास्त्र वेदांत से प्रवाहित हुआ। अब भी वेदांत ही भारतीयों का जीवित जागृत भाव और उनकी प्रतिभा है। विदेशी सभ्यता अथवा नई महत्वाकांक्षाओं का हम पर कितना भी प्रभाव पड़े, हमारे मुख्य स्रोत में सड़न उत्पन्न नहीं हुई। धनी और निर्धनों के, अवकाश भोगी वर्गों और किसानों तथा मजदूरों के, हिंदुओं और मुसलमानों के तथा ईसाइयों के, अशिक्षितों और विद्वानों के, ईमानदारों और बेईमानों के जीवन भारतीय दर्शन के व्यापक सौरभ से एक समान सुरभित है। वेदांत भारत की मूल संस्कृति है, उपनिषद वेदांत के स्रोत हैं। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते समय हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे कल ही लिखे हुए ग्रंथों के समान होंगे। जब वे लिखे गए थे, यह देश और मनुष्यों का जीवन तथा आदतें आज से बहुत भिन्न थी। हमें इस भारी अंतर को भूलकर हजारों वर्ष पूर्व लिखित ग्रंथों का अर्थ और निर्णय आधुनिक विवादों की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। उस काल में लिखित पुस्तकों का संबंध तत्कालीन जीवन के विषयों से ही हो सकता है। हमें अपनी कल्पना और बुद्धि से उस प्राचीन जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहिए और भारतीय ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथों को, यद्यपि वह अब आधुनिक कागज पर आधुनिक ढंग से छाप दिए गए हैं, उसी प्राचीन भूमिका के आधार पर पढ़ना चाहिए। उपनिषदों की मुख्य शिक्षा यह है, मनुष्य इंद्रिय सुख, संपत्ति तथा संसार के पदार्थों से अथवा वेदों द्वारा नियत यज्ञादि कर्मों से, जिनकी शक्ति पर उस काल में पूर्ण विश्वास किया जाता था, स्वर्ग आदि के अधिक बड़े सुख प्राप्त कर लेने पर भी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुख केवल मुक्ति से और मुक्ति केवल आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त हो सकती है, जो कर्म बंधनों को तोड़कर हमें परमात्मा के साथ मिला देता है। ज्ञान के मार्ग में अनेक मंजिलें हैं। उपनिषदों के मंत्र, यंत्र, तंत्र परस्पर विरोधी दिखलाई पड़ सकते हैं, परंतु यदि यह स्मरण रखा गया कि सत्य की शिक्षा अंश कर्म से दी जाती है, तो वह विरोधाभास तिरोहित हो जाएगा। जब उपनिषद लिखे गए, उस समय मौखिक शिक्षा के अतिरिक्त जिसे शिष्य गुरु के निकट साहचर्य में रहकर प्राप्त करता था, अन्य किसी प्रकार की शिक्षा का प्रचार नहीं था। पुस्तकालय से लेकर अथवा दुकान से खरीदकर पुस्तकें पढ़ना उस समय संभव नहीं था। वेदांत में शिव अथवा विष्णु की उपासना के पृथक पंथ नहीं है। कौन बड़ा देव है या किस नाम से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, शंकराचार्य ने अपने वेदांत भाष्य में परमात्मा के लिए नारायण शब्द का प्रयोग किया।
शैव सिद्धांत के ग्रंथों में परम तत्व को शिव कहा गया है। नाम ध्यान के लिए परमेश्वर के रूप की कल्पना, पूजा की मूर्तियाँ और ओम की ध्वनि भी हमारे हृदय को ईश्वर के प्रति आकर्षित करने के साधन मात्र हैं। वेदांत हम सब भारतीयों की, चाहे हम किसी भी धर्म में पालित पोषित ही क्यों न हुए हो, परंपरागत सामान्य संपत्ति है। वेदांत यह शिक्षा नहीं देता कि हमें संसार का त्याग करना चाहिए। जीवन तथा सामाजिक कार्यों से निवृत्त होने के साथ वेदांत की संगति में बैठना गलत है। वेदांत आसक्ति, कामनाओं और मनोविकारों के त्याग की प्रेरणा देता है, परंतु सहकारी जीवन में दैनिक कर्तव्यों के त्याग की नहीं। वेदांत हमें आत्मशक्ति प्रदान करता है, जिससे हमें स्वार्थपरता, अहम भाव, सुख के प्रति आसक्ति और दुख के प्रति भय से निवृत्त हो सकते हैं और अपना जीवन अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक करने में लगा सकते हैं। वेदांत से हम सत्य में जीवन व्यतीत करने के प्रयत्न में निश्चय और निर्भयता का विकास कर सकते हैं। इस दृढ़ विश्वास पर पहुँचना वेदांत की पहली सीढ़ी है कि मैं अपने शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ। क्या ऐसी कोई स्पष्ट वस्तु है जिसे शरीर के अंदर आत्मा कहा जा सके? क्या वह भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है या शरीर का कर्म मात्र है, जिसे हम गलती से पृथक वस्तु मानते हैं? क्या शरीर की मृत्यु होने पर उसके साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, या उसका पृथक अस्तित्व कायम रहता है? इस विषय में दृढ़ विश्वास का अभाव ही संसार की सब बुराइयों का चरम कारण है। यदि कभी हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता है तो भी वे बार बार उठती है और हमें घेर लेती है। मनुष्य का जीवन तभी अविचल सत्य में और अनासक्त होता है जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरे अंदर में आत्मा का निवास है और यह शरीर तथा इंद्रियों से भिन्न है। यदि सब मनुष्य यह ज्ञान प्राप्त कर ले तो संसार का उद्धार हो जाएगा। आत्मा संबंधी यह प्रथम ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसलिए उपनिषदों में न केवल परमात्मा की चर्चा है, वरन बारंबार और अनेक तथा विविध प्रकार से जीवात्मा की भी चर्चा की गई है। यदि एक बार अनुभव कर लिया गया कि शरीर उसके अंदर निवास करने वाले जीवात्मा से भिन्न है और इस संबंध में सारे संशय मिट गए, तो वेदांत जीवन में अपने आप विकसित हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।